इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर अनुज शर्मा 44,000 मतों से चुनाव जीत चुके हैं, बड़ी मार्जिन से जीते हैं। सीतापुर से कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत चुनाव हार चुके हैं, तो बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें। और कोटा से कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव चुनाव जीत चुके हैं और अब रुझान के बाद नतीजे सामने आने लगे हैं। अटल श्रीवास्तव 10,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। और खरसिया से बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल जीते हैं चुनाव, बड़ी खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ से उमेश पटेल तकरीबन 22,160 मतों से चुनाव जीत चुके हैं, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। रुझान के बाद अब नतीजे सामने आने लगे हैं। चित्रकूट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव हार चुके हैं, बड़ी खबर आपको बता दें। 8,000 मतों से दीपक बैज चुनाव हारे हैं, बड़े नेता दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं। और लेलुंगा से कांग्रेस प्रत्याशी विद्यावती पटेल चुनाव जीत चुकी है, तो लेलुंगा से बड़ी खबर आपको बता दें, विद्यावती पटेल 4,000 वोटों से चुनाव जीती है। और राजिंद से बीजेपी प्रत्याशी रोहित साहू भी चुनाव जीत चुके हैं और ये नतीजे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दुर्ग से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण बोरा चुनाव हारे हैं और रुझान के बाद अब ये सीधे नतीजे आपको बता रहे हैं। अरुण बोरा तकरीबन 40,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। और नारायणपुर से बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप चुनाव जीत चुके हैं। केदार कश्यप बीजेपी के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। केदार कश्यप तकरीबन 17,000 मतों से चुनाव जीते हैं। और इसके अलावा बात करेंगे बीजापुर की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मंडावी चुनाव जीत चुके हैं और ये रुझान के बाद सीधे नतीजे। विक्रम मंडावी 3,046 वोटों से चुनाव जीते हैं। और अंतागढ़ की अगर बात की जाए तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसेंडी चुनाव जीते हैं। और राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह 35,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं, बड़ी खबर आपको बता दें। अंबिकापुर से कांग्रेस प्रत्याशी टीएस सिंहदेव चुनाव हार चुके हैं, डिप्टी सीएम चुनाव हार चुके हैं, दिग्गज नेता कांग्रेस के टीएस सिंहदेव 122 वोटों से, महज 122 वोटों से चुनाव हारे हैं, तो ये बड़ी खबर। और अभनपुर से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू 15,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो लुंड्रा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध मिंज भी चुनाव जीत चुके हैं। और सुकमा से कांग्रेस प्रत्याशी कबासी लखमा चुनाव जीत चुके हैं, आदिवासी दिग्गज नेता है कबासी लखमा। और धर्म जयगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत राठिया चुनाव जीते हैं और लालजीत राठिया तकरीबन 9,400 वोटों से चुनाव जीते हैं। और कोंडागांव से कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम चुनाव हार चुके हैं, मोहन मरकाम भी कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। और धरसीम्बा से बीजेपी प्रत्याशी अनुज शर्मा चुनाव जीत चुके हैं, तो बड़ी खबर आपको बता दें, अनुज शर्मा 44,000 वोटों से चुनाव जीते हैं।